इंदौर नगर निगम ने शहर की खास सड़कों पर प्रचार प्रसार के लिए जेंट्री गेट और पैदल पुल दिए थे। इनका समय पूरा होने के बाद भी साल भर से ठेकेदार कंपनी चला रही थी, बदले में निगम को कुछ नहीं दे रही थी। आखिरकार निगम ने इनका कब्जा ले लिया है और जितने दिन ज्यादा प्रचार प्रसार किया उसका पैसा भी मांग लिया। मेसर्स राजदीप इंफ्रास्ट्रक्चर को निगम से 18 साल और 6 महीने के लिए शहर की सड़कों, सिग्नल्स, पैदल पुल और जेंट्री गेट दिए गए थे। बदले में निगम को 2 करोड़ रुपए किराया तय हुआ था। इसकी समय अवधि 7 अप्रैल 2023 को खत्म हो गई थी। तभी प्रचार प्रसार के सारे स्ट्रक्चर अच्छी हालत में निगम के सुपुर्द करना था। 10 महीने तक निगम इंतजार करता रहा, लेकिन ठेकेदार कंपनी ने निगम को कुछ नहीं दिया, जबकि इन जगहों पर लगातार प्रचार प्रसार होता रहा। निगम ने कब्जा लेने के साथ ही 10 महीने का 20 लाख रुपए किराया भी मांग लिया। शर्तों के मुताबिक ठेका खत्म होने पर 33 लाख रुपए निगम को लौटाने थे, वो भी नहीं दिए। निगम ने 53 लाख रुपए का हिसाब भेजा है। देरी होने पर 10% वार्षिक ब्याज भी मांगा है। नगर निगम के राजस्व अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि राजदीप इंफ्रास्ट्रक्चर को 2004 में प्रचार प्रसार के लिए जगह दी थी। अनुबंध में 49 साइट्स थी, लेकिन 44 पर प्रचार प्रसार चल रहा था। 2 करोड़ रुपए में इसे दिया गया था। शहर के होर्डिंग हटाकर नई आउटडोर मीडिया पॉलिसी लागू की गई, तब इस कंपनी के स्ट्रक्चर नहीं हटे थे। ठेका खत्म होने के बाद सरेंडर करने को कह रहे थे, बात नहीं मानी तो लीगल ओपिनियन लेकर नोटिस दिए और कब्जा भी ले लिया। अब नए टेंडर जारी किए जाएंगे जिसमें इन साइट से मोटी रकम निगम को मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय से चल रहा था, इसका अवधि पूर्ण हो गई थी। इसमें कुछ जिन जो इस पार्टी के पास ये कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था एक्सटेंशन के लिए। इसका हम लोग ने पूरा परीक्षण करने के बाद, विधिक राय लेने के बाद निर्णय लिया कि उसमें एक्सटेंशन की पात्रता नहीं बनती है, इसलिए अब उसको अपने आधिपत्य में ले लिया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है समाप्त कर दिया गया है। उनका इस बारे में उनको इंटीमेशन दे दिया गया है और पंचनामा बना के पूरी जितनी भी गैंट्रियाँ हैं निगम के सुपुर्द कर ली गई हैं। अब इसमें आगामी कार्रवाई टेंडर की होगी, ताकि ये इसको रीबिड करके नया इसमें एजेंसी ऑन बोर्ड आके इसमें विज्ञापन की कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार कंपनी को निगम से जो जगह मिली थी उसकी लोकेशन बेहतर होने से इन पर हो रहे प्रचार प्रसार का पैसा भी खूब लिया जाता था। शहर की महंगी साइट्स में इन्हें गिना जाता है। रीगल पर शास्त्री पुल से लगी 56 दुकान का पैदल पुल, भमोरी रोड और आस्था टॉकीज के बाहर सहित तमाम साइट्स ठेकेदार कंपनी के पास हैं। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।